आज वापस से एक सोयाबीन की बड़ियों वाली सब्जी लेके आया हूँ दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग है। अगर नॉनवेज खाते हैं ना जो लोग, वो इसे एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, और वेज खाने वाले वो तो भाई साहब, अगर उन्होंने ट्राई कर ली ना तो घर के अंदर कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, तो वो इस तरह की सब्जी जरूर बनाने वाले हैं। बिल्कुल लाजवाब स्वाद और बिल्कुल नया अंदाज। बनाना कैसे है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रहा हूँ 100 ग्राम बढ़िया। जी हाँ, बढ़िया छोटी भी आती है सोयाबीन की, लेकिन हम छोटी बढ़िया नहीं लेंगे, हम बड़ी बढ़िया लेंगे। नॉर्मल बढ़िया आपको बाजार में आराम से मिल जाएगी। तो बस 100 ग्राम के आसपास मैंने बढ़िया ली है। इस पर हम डालेंगे गर्म पानी। जी हाँ, पानी में इसको भिगो के रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट। तो बिल्कुल गर्म गर्म पानी इसके अंदर डाल देंगे, 15-20 मिनट इसको भिगो के रखते हैं। 15-20 मिनट बाद ये देखिए इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाएगी, जैसे दबाएंगे ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसको दबा के इसका पानी सारा का सारा ड्रेन आउट कर देना, मतलब पानी हमें निकाल देना है, पानी हमें नहीं रखना है इसका, ये ध्यान रखिएगा। तो सारी बड़ियों का मैं पानी निकाल देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह सारे बड़ियों का पानी निकाल दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पर मैं कढ़ाई ले रहा हूँ और यहाँ पर करीबन 3 टेबल स्पून के आसपास, जी हाँ 3 टेबल स्पून बोल रहा हूँ, ऑयल लिया है मैंने इसके अंदर। और इसको करते हैं गर्म। ऑयल जब गर्म हो जाएगा, गैस की फ्लेम रखनी है बिल्कुल स्लो, ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम स्लो रखनी है, स्लो फ्लेम पर हमें इसे सौते करना है। तो बस इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला इसलिए कि बढ़िया फीकी होती है, इससे टेस्ट बहुत ही इनहेंस हो जाएगा, बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा। तो इन्हें हमें बस शैलो फ्राई या सौते जिसे बोलते ना वो करना है, कि लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए, थोड़ी थोड़ी बढ़िया सीख जाए, जिसके अंदर एक जो कच्चापन होता है ना बड़ियों का, वो फ्लेवर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नए अंदाज से बना के बता रहा हूँ आपको। तो ये मैंने इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे भूना था 2 से 3 मिनट। और ये देखिए इस तरह से जब कलर आ जाए ना लाइट गोल्डन ब्राउन, तब तक हमें भूनना है। जो कच्चापन आता है ना बड़ियों का, जो हम खाते हैं तो उस एक अंदर कच्चापन रहता है, वो हट जाएगा। तो इसे हमने साइड में रख लिया। अब इसे करेंगे मैरिनेट। जी हाँ, ठंडा कर लिया था इसे। मैरिनेट के लिए मैं ले रहा हूँ 1 कप दही। जी हाँ, 1 कप या 1 कटोरी आप दही ले सकते हैं। और इसके बाद डाल रहा हूँ 1 टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। टी और टेबल स्पून का ध्यान रखिएगा, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर इसके अंदर डाल रहा हूँ, 1/4 टीस्पून डाल रहा हूँ हल्दी पाउडर इसके अंदर, और यहाँ पर 1/2 टीस्पून ले रहा हूँ मैं भुना हुआ जीरा और सिका हुआ जीरा पाउडर। जी हाँ, और इसके बाद मैं ले रहा हूँ 1/2 टीस्पून इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत लाजवाब आएगा। 1 टीस्पून मैं नमक ले रहा हूँ, बाकी स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, भुनी हुई सिकी हुई कसूरी मेथी। और इसके बाद मैं इसके अंदर ले रहा हूँ 1/4 टीस्पून हींग। जी हाँ, हींग जरूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत शानदार आने वाला है। अब क्या करेंगे, इसे कर देंगे मैरिनेट। जी हाँ, मैरिनेट करने के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, कि जितनी भी हमारी बढ़िया है ना सोयाबीन की, उस पर ये मसाला पूरी अच्छी तरह से लग जाए। तो बस ये मैरिनेट हमारा हो चुका है, बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब बनेगी, ट्राई करके जरूर देखिए दोस्तों। तो बस इसके छोड़ देते हैं और इसके बाद लगते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में ले रहा हूँ मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल। जी हाँ, 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल ले रहा हूँ। आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। इसे करते हैं गरम। गरम होने के बाद इसमें 2-3 पत्ते डालेंगे हम, तेज पत्ते डालेंगे इसके अंदर। 2 बड़ी इलायची जिसे काली इलायची बोलते हैं, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। इसके बाद मैं ले रहा हूँ 1 टेबल स्पून इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन। जी हाँ, बारीक कटा हुआ लहसुन। और 1 टेबल स्पून के आसपास मैं ले रहा हूँ इसके अंदर बारीक कटी हुई अदरक। इसका फ्लेवर बहुत पहले अच्छा आएगा। पहले हम डाल रहे हैं प्याज, नहीं डाल रहे पहले हम। इसे पकाना है 2 से 3 मिनट तक, जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हमारे, मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे पकाया था। तो बस देखिए इस तरह कलर इसके अंदर आना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे प्याज। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे मैंने, उनको मैंने मिक्सी के अंदर पेस्ट बना लिया था। पेस्ट बनाने के बाद ही मैंने इसके अंदर इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज। प्याज को हम भूनेंगे मीडियम फ्लेम के अंदर, थोड़ा जैसे गोल्डन ब्राउन भूनते हैं ना, उससे थोड़ा डार्क ब्राउन भूनेंगे। आप कभी भी डार्क ब्राउन अगर प्याज को भूनेंगे ना, तो आपकी रेसिपी बहुत लाजवाब बनेगी। अगर आपने इसके थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन भूना, तो हमारी रेसिपी ख़राब, कच्चापन आ जाएगा प्याज के अंदर और वो मीठी मीठी सब्जी बनेगी। इस तरह से भूनना है, ये देखिए आप। तो प्याज हमारा भून चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, जिसको ही मैंने मिक्सी में पीस के उसका पेस्ट बना लिया था। इसे भी हमें उसी तरह से भूनना है, जब तक कि हमारा प्याज को हमने भूना था ना डार्क ब्राउन होने तक। तो इसे हमें भूनना है जब तक कि ये ऑयल छोड़ नहीं दे बिल्कुल मसाला। तो ये देखिए टमाटर हमारा भून चुका है, पूरे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना भैया। इसके अंदर हम डालेंगे हमारी मैरिनेट हुई हुई जो बढ़िया थी ना सोयाबीन की, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। वो इसके अंदर डालने के बाद इसको हम जो पानी है ना वो लेंगे थोड़ा सा, और जो हमारे बॉल के अंदर मसाला रह गया था ना वो जरूर डालना है, ध्यान रखिएगा मसाला छोड़ना नहीं है हमें। तो बस, और मीडियम फ्लेम पे हमें, जी हाँ मीडियम फ्लेम पे रेगुलर इसे चलाते हुए भूनना है, क्योंकि इसमें दही है ना, अगर हम इसको मीडियम फ्लेम पे रेगुलर नहीं चलाएंगे ना, दही फट जाएगा, खट्टापन ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप बोलोगे सिंह भाई आपने बताया नहीं। तो ध्यान रखिएगा 2 से 3 मिनट हमें भूनना है इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर, बिल्कुल ड्राई कर लेना, रेगुलर चलाते हुए भूनना है। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसे रेगुलर चलाते हुए भूना है। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी में हो गया है, मसाला पक चुका है, दही पक चुका है,
और बस अब क्या करना है, अब इसमें करना है ग्रेवी। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 1.5 गिलास के आसपास पानी। आपको ग्रेवी ज़्यादा करनी है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम करनी है तो 1 गिलास डाल सकते हैं। तो बस पानी डालने के बाद इसको करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसमें लाएंगे एक उबाल। जी हाँ, पानी जब भी आप डालें किसी भी ग्रेवी के अंदर या सब्जी के अंदर तो उसमें उबाल लाना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो बस इसे मिक्स करने के बाद, ये उबाल इसके अंदर आ चुका है, एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर फ्लेम कर देंगे हम बिल्कुल स्लो स्लो फ्लेम पे। इसे 10 मिनट पकाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ढक्कन लगा के पकाएंगे 10 मिनट, बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। तो बस ये ढक्कन मैं लगाया था और 10 मिनट मैं इसे पकाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी सिचुएशन दिखाता हूँ। ये देखिए, अब देखिए, अब 10 मिनट मैंने इसे स्लो फ्लेम पर पकाया था बिल्कुल। अब देखिए आप, कलर देखिए सब्जी का, टेक्स्चर देखिए, है ना लाजवाब। खुशबू पूरे घर के अंदर महकेगी, ये तो मेरा वादा है। ये देखिए टेक्सचर आप, और कंसिस्टेंसी ग्रेवी की वो भी दिखाया था, इस तरह की रहेगी। और थोड़ा ठंडा होने के बाद ये हार्ड हो जाएगी ग्रेवी थोड़ी सी, क्यों, क्योंकि ये सोयाबीन पानी सोखता है। तो बस अब क्या करना है, अब इसमें डालेंगे हमारा परम मित्र हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद इसे गर्मा गर्म करेंगे सर्व। अब गर्मा गर्म सर्व करना है इसके, आपको खाना किसके साथ है, राइस के साथ, पुलाव उस राइस के साथ खाना है, सॉरी पुलाव नहीं बोल रहा हूँ, पराठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ, जिसके साथ भी खाना है। दिख रही ना लाजवाब दोस्तों रेसिपी। तो बस ये सब्जी एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कैसी बनी है, आपको कैसी लगी टेस्ट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा मेरा वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ वापस आ जाता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।